हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदर्श रामटेके एंड आई एम फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट एट IIT दिल्ली। और आज हम बात करेंगे विच बुक एंड स्टडी मटेरियल वुड यू लाइक टू फॉलो फॉर IIT JEE मेंस। तो यार आज का वीडियो मेंस स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं कि 11th क्लास में जैसे मैं एंटर हुआ तो बहुत सारे टीचर के रिकमेंडेशन ली, काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे और मेरे पास इतनी सारी बुक की लिस्ट जमा हो गई थी। लेकिन जैसे आप 11th में होते हो, नए नए बच्चे, बड़ी बड़ी बुक्स हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो एक एक्साइटमेंट होती है बुक्स खरीदने की। मैंने क्या किया कि सरप्राइजिंगली सारी किताबें खरीद ली। और एट द एंड ऑफ 2 ईयर क्या हुआ कि मैं उनमें से कुछ बुक तो मैंने खोली भी नहीं, और जो खोली भी वो भी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया। और आप इस ट्रैप में ना फंसो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बुक्स के ऊपर मूव करने से पहले हम एक जनरल मिसकंसेप्शन जो स्टूडेंट्स के बीच में होता है और जो वाइडली स्प्रेड भी है वो क्लियर करेंगे, वो है अबाउट NCERT, और फिर आगे की चीज़ इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। सो NCERT के बारे में एक मिथ क्या है कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे 100% ट्रू नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री ओनली, लेकिन इन केस ऑफ फिजिक्स और मैथ्स की हम बात करें, ये बुक्स अच्छे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक्स ख़राब है, लेकिन ये IIT JEE के लिए यूज़फुल नहीं है। सो हम NCERT सिर्फ केमिस्ट्री के लिए यूज़ करेंगे, फिजिक्स और मैथ्स के लिए हम NCERT यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब याद तक क्लियर हो गया। अब हम बुक एक फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में फॉलो करेंगे। इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो वो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी हमको सबसे पहले रिवाइज़ करनी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी। और थ्योरी रिवाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, आप जिस भी क्लास में हो, तो उसके जो नोट्स आपने हैंड रिटेड खुद से बनाए हैं उसके थ्रू जाओ। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं बेस्ट जो जिससे आप थ्योरी रिवाइज़ कर सको। एक बार आप इसके थ्रू चले गए तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चंस पर अटैक करोगे। और यहाँ करते हैं स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि जैसे थ्योरी हो गई तो वो थ्योरी के बाद डायरेक्ट रेफरेंस बुक पर मूव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको सबसे पहले जो ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ क्वेश्चन है, जो सबसे ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ क्वेश्चन है वो करने हैं। और वो कैसे है, यहाँ आती है फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन जो है अरिहंत की JEE मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, जिसमें सिर्फ JEE मेंस के 2013 से 2021 तक क्वेश्चन दिए हैं। इससे ऑथेंटिक कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे कि एक बार आपकी थ्योरी क्लियर हो गई तो आप JEE मेंस के, ओनली सिर्फ JEE मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की उससे। अब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनाने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि ठीक है, JEE मेन लेवल का तो मुझे आता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अरिहंत और दिशा पब्लिकेशन दोनों की 42 ईयर्स कुछ ऐसी बुक आती है जिसमें JEE एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे होते हैं। तो आप अब किस पे अटैक करोगे, आप कि JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अब इसमें क्या होगा कि अब आपको ये भी कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप JEE एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब इन दोनों में अगर आप कंफर्टेबल हो गए, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मूव लेनी है। इसके बाद आपको क्या फॉलो करनी है, रेफरेंस बुक। और रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करनी है ये मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। तो मूविंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले फॉलो करना है क्लास के नोट्स, और क्लास के नोट्स के बाद आपको क्या करना है, NCERT पढ़नी है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो कोर है वो NCERT में है। आप एक बार NCERT पढ़ लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, NCERT के बाद अपने को क्या करना है, JEE मेंस पर अटैक करना है जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की थी उससे। फिर आपको क्या करना है, JEE एडवांस पर अटैक करना है। ये होने के बाद अपने को रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। अब जैसे मूविंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट बुक है नरेंद्र अवस्थी। इसमें क्या है, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप मतलब पूरी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो नरेंद्र अवस्थी हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करेंगे। अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो और MS चौहान सर का नाम नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो करेंगे MS चौहान, ठीक है। और इसमें इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए, इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हैं कि जिसकी तो आपको एडवांस में भी ज़रूरत नहीं होगी इतनी। और अगर आपने ये बना लिया तो आपको समझ लो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आते हैं VK, अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो थ्योरी है वो याद रहनी चाहिए। इसलिए आप बहुत सारे बार NCERT के थ्रू जाओ, बहुत सारे बार आप NCERT के थ्रू चले गए तो एक बार आपको ये आप कंफर्टेबल हो गए कि आपके नहीं, आपको थ्योरी पूरी क्लियर है, तो अब आप जाओ अगर समय बचाए तो कि VK जायसवाल सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम मूव होते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में थोड़ा यार जो ऑर्डर है अपना वो अलग रहेगा, फिजिक्स में एक चीज़ बीच में ऐड हो जाएगी।
फिजिक्स में एक बार क्या हुआ कि आप क्लास के थ्योरी के नोट से चले गए, अब आपको क्या करना है, अब आप जाओगे उस पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके बिना आपका फिजिक्स हो ही नहीं सकता, जो कि है एच सी वर्मा। एच सी वर्मा को इतने बेस्ट तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से करनी है कि मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन एच सी वर्मा करने का भी एक तरीका है जो मैं, अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एच सी वर्मा जब बहुत अच्छे से हुई तो आपको फिर जेई मेंस पर अटैक करना है, फिर जेई एडवांस पर। यार कैसा है, फिजिक्स थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है तो इतने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास फिर भी समय जब बचा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बच जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। और वो दो रेफरेंस बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दोनों में से आपको जो भी बेटर लगे, जो अच्छी दिखे आप अपने हिसाब से ले लेना। पहली है डीसी पांडे। डीसी पांडे लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस दिए और बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन दिए हैं। और दूसरी है बीएम शर्मा सिंगेज की। दोनों काफ़ी अच्छी बुक है, आपको जो बेस्ट लगे वो आप खरीद लेना, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स पर। अब मैथ्स का क्या सीन है कि मैथ्स में भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन थ्योरी के थ्रू जाना है क्लास नोट से, उसके बाद जेई मेंस के क्वेश्चन करने, उसके बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन करने, और उसके बाद आपको कह रहा हूँ रेफरेंस बुक। अब अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में दो बुक्स काफ़ी अच्छी है, जो है सिंगेज की अलजेब्रा और एस के गोयल। मैंने पर्सनली दोनों बुक यूज़ की है, तो मैं बताता हूँ कि दोनों में से एक अगर आपको चूज़ करना हो तो आप किस तरीके से चूज़ करेंगे। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप क्या करोगे कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो आप सिंगेज यूज़ करोगे, क्योंकि सिंगेज में पूरे मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन दिए हुए। लेकिन अगर आपकी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है और आपके पास समय है, तो आप क्या करोगे, एस के गोयल के थ्रू जाओ, क्योंकि उसमें क्या है कि किसी एक टॉपिक के सब टॉपिक पर भी क्वेश्चंस दिए हुए, तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीखोगे भी और साथ साथ आपकी थ्योरी भी अच्छी होती जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी थ्योरी अच्छी है या नहीं, आप इन दोनों में से कोई एक बुक चूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर बचे हुए टॉपिक्स की बात करें, जैसे कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर एंड अलजेब्रा, उन सब के लिए सिंगेज इज़ बेस्ट। लाइक सिंगेज ही अगर सारे क्वेश्चन कर लिए तो बस बहुत बढ़िया, यही आप कुछ, इतना अगर मटेरियल आपने फॉलो कर लिया तो आप जेई मेंस में इतना तगड़ा रैंक लाओगे, इतना तगड़ा रैंक लाओगे और भैया को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो यार और इन्जॉय करो लाइफ को। बस दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।